दिल की तन्हाई को, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, गा लेते हैं, गा लेते हैं। जैसे भी बस स्वागत है आप लोग का अपने चैनल सम्राट सीडी पे। पिछले वाले लेक्चर में हम फिलेट वेल्डिंग और बट वेल्डिंग के डिज़ाइन के बारे में पढ़ा दिए हैं, ठीक है। और उसी के बेसिस पे आज हमको न्यूमेरिकल करा रहे हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल को आज मैं आपके डिस्प्ले पे शो करा रहा हूँ। जैसे कि क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ था, देखिए क्वेश्चन में वैसे तो आप पढ़े होंगे, क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ है तो फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में दिया है 12 mm मोटी गजेट प्लेट से जुड़ी 10 mm मोटी चपटी प्लेट। देखिए 12 mm मोटी इस जो ये गजेट प्लेट है, ठीक है, ये 12 mm मोटी है और ये है फ्लैट प्लेट। फ्लैट में चपटी पट्टी जिसकी जो मोटाई है इसको T1 कह रहे हैं और इसको केवल टी। देखिए टी केवल है 12 mm और T1 है 10 mm। ये डाटा बुक में दी हुई है। और आगे देखिए क्या कह रहा है, प्लेट की चौड़ाई निर्धारित कीजिए। देखिए अब इसकी चौड़ाई हमें निर्धारित करना है, ये हमें पता नहीं है, ठीक है, डी इसको हमें पता करना है। और क्या दिया, चौड़ाई निर्धारित कीजिए। यदि इस जोड़ पर 190 किलो न्यूटन तनन बल आ रहा है, देखिए 190 किलो न्यूटन का इस पर टेंसाइल फोर्स आ रहा है, मतलब तनन बल आ रहा है, ठीक है, और 8.5 mm परिमाप के पास 100 फिलेट वेल्ड का प्रयोग किया गया। और इसमें बताया गया कि फिलेट वेल्ड का प्रयोग किया गया, देखिए फिलेट वेल्ड जैसे बना है, ठीक। और इसमें दिया क्या है, अनुज्ञेय प्रतिबल दिया है। देखिए प्लेट के लिए जो अनुज्ञेय प्रतिबल दिया है एफ टी कितना दिया है, 150 न्यूटन पर mm², ठीक है, और दिया है या एफ एस 110 न्यूटन पर mm² लीजिए, और जो जोड़ का जो एफ एस दिया है वो दिया है 110 न्यूटन पर mm². ये जोड़ के लिए है, ये जो स्ट्रेस है इस जोड़ के लिए है, और इस प्लेट के लिए जो वो परमिसिबल स्ट्रेस है वो 150 न्यूटन पर mm² है। जोड़ द्वारा वहन किए जाने वाला अधिकतम तनन बल तथा प्रत्येक पार्श्व साइड वेल्ड की लंबाई निर्धारित कीजिए। अब देखिए और पार्श्व साइड की ये लंबाई कह रहा है कि ये लंबाई निर्धारित कीजिए कि इसके एक साइड की जो लंबाई है कितनी है। और इसमें बताया बताया है कि इस साइड आपको वेल्डिंग नहीं करना है, इस साइड को बस खाली रखना है, ठीक है। जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है मतलब दिया है उसको हम लिख दिए हैं। अब हमें जो जो फाइंड आउट करना है उसको हमें मतलब हमको निकालना है। देखिए इस पे क्या आ रहा है, 190 किलो न्यूटन का इस पे लोड आ रहा है, ठीक है। अब हमें दिया है प्लेट की मोटाई दिया है और साइज ऑफ वेल्डिंग दिया है, तो ऐसा करते हैं कि इस पे लोड आ रहा है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि इस प्लेट की हम पहले इस पे लोड आ रहा है 190 किलो न्यूटन, तो इसकी पहले हम क्या कर रहे हैं कि इसकी स्ट्रेंथ निकाल दे रहे हैं कि इस प्लेट की स्ट्रेंथ कितना है, क्योंकि हमें इसके आधार पर डाटा दिया गया है। देखिए जो प्लेट की स्ट्रेंथ निकालेंगे तो पी टी फॉर प्लेट के लिए, ठीक है, इजकल टू ये स्ट्रेंथ इजकल टू स्ट्रेंथ, देखिए एफ टी प्लेट के लिए इंटू एरिया, एरिया इसका क्या हुआ, इस प्लेट की चौड़ाई बी, ठीक, इंटू और इसकी मोटाई, मोटाई इसकी कितना दिया है 10 mm, ठीक है, और इसका वैल्यू दिया है 150 × 10 × b हो जाए आपका, हो जाएगा 1500 b, ठीक है, ये हो जाएगा प्लेट की स्ट्रेंथ हो जाएगी, ठीक है। अब निकालते हैं कि इस जॉइंट का स्ट्रेंथ, जो जॉइंट का हम स्ट्रेंथ निकालेंगे, देखिए जॉइंट का स्ट्रेंथ हम निकालेंगे कैसे, जॉइंट का स्ट्रेंथ जॉइंट स्ट्रेंथ एफ एस इंटू थ्रॉट थिकनेस टी इंटू टी थ्रॉट थिकनेस सॉरी थ्रॉट थिकनेस टी और क्या होता है एफ एस इंटू थ्रॉट थिकनेस टी और इफेक्टिव लेंथ एल सॉरी इफेक्टिव लेंथ एल। अब देखिए एफ एस की वैल्यू हमें दिया है 110 न्यूटन पर mm² इंटू टी इजकल टू होता है के एस, ठीक है, इंटू इफेक्टिव लेंथ एल। देखिए अब हमें के की वैल्यू जब नहीं दिया रहता है तो हम 0.7 मान लेते हैं, ठीक है, तो
110 इंटू 0.7 इंटू, यह इसकी वैल्यू दिया है 8.5 इंटू, और ये क्या करते हैं हम L की वैल्यू 1 रख देते हैं, ठीक है। L की वैल्यू हम 1 इसलिए लिख दे रहे हैं कि जो ये जॉइंट स्ट्रेंथ निकालेंगे पर पर मीटर पर पर mm लेंथ के लिए, ठीक है, पर mm लेंथ के लिए हम इस निकाल दें जॉइंट, ठीक है, तो इंटू 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे 654.5, ठीक है, ये आपका आ गया न्यूटन में। ये किस कितने के लिए आ गया, पर mm लेंथ के लिए, ये क्या हो गया जॉइंट की स्ट्रेंथ पता चल गई। अब देखिए ये जो स्ट्रेंथ निकाले हैं ये प्लेट की स्ट्रेंथ निकाले हैं PT, ठीक है। अब देखिए इस पे लोड जो आ रहा है 190 किलो न्यूटन आ रहा है, इसका स्ट्रेंथ निकाले हैं इसका इतना 1500, ठीक है। अब इस B की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, इसमें रखे नहीं है, और ये जो है 190 किलो न्यूटन का लोड इस पे आ रहा है, तो ऐसा कह रहे हैं कि इसका जो स्ट्रेंथ होगा अगर इसके बराबर होगा तभी तो इसको झेल पाएगा, नहीं तो ये प्लेट फट जाएगी या फिर टूट जाएगा, मतलब ये प्लेट फेल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जो ये जो 190 किलो न्यूटन को केवल न्यूटन में चेंज करेंगे तो 3 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इजिकल टू ये वाला स्ट्रेंथ है 1500 बी, और बी क्या है इसकी चौड़ाई है, ठीक है, ये बी, ठीक है। अब हम यहाँ से बी क्या कर सकते हैं निकाल लेंगे, तो 19 कितना 4×0/1500, इसको कैलकुलेट करेंगे 19×4×0/1500, बी इजकल टू आ जाएगा 126.6। देखिए इसकी चौड़ाई जो आ रही है 126 आ रही है, तो 126.6 आ रहा है, तो क्या करेंगे इसको थोड़ा सा और स्ट्रेंथ फुल बना लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे, 126 को हम नॉर्मली कर दे रहे हैं 130 mm, ठीक है। 130 mm के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसकी चौड़ाई रख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, चौड़ाई तो हम इसकी निकाल दी, अब क्या करेंगे ये जो स्ट्रेंथ आया है ये अभी की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे, ठीक है, ताकि इसमें भी की वैल्यू रखने पे हम देख लेंगे कि इसका जो सहने की क्षमता होगी वो कितना न्यूटन होगी। तो इसमें हम इस वैल्यू को अगर इसमें पुट करेंगे तो PT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1500 × 130 mm, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब कहेगा 130 × 1500 आ जाएगा 195 किलो न्यूटन, 195 किलो न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो प्लेट है 195 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है, किलो न्यूटन है ये, ठीक। अब देखिए क्या है, और हम ये क्या निकाले हैं पर mm लेंथ के लिए जो स्ट्रेंथ निकाले हैं 654 न्यूटन निकाले हैं, ठीक है। तो देखिए 654 न्यूटन पर mm लेंथ में दे रहा है, तो इतना स्ट्रेंथ ये कितने mm लेंथ में देगा, क्या करेंगे हम इससे इसको क्या करेंगे 195 किलो न्यूटन बाई 654, ठीक है। अब इसको किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, किलो न्यूटन हटाएंगे और इसको न्यूटन में चेंज करेंगे तो 000 आ जाएगा, ठीक है, आप लोग पता है 1000 से गुणा कर देंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, ये डिवाइड बाई 654, तो इसका वैल्यू आएगा 297.9, या 297 को हम सीधा कर दे रहे हैं तो 298 क्या हो जाएगा mm हो जाएगा। इसका मतलब देखिए क्या हम निकाल के 298 mm आया है, देखिए 298 mm, ठीक है, और 298 mm क्या है, ये आपका है इफेक्टिव लेंथ, ये और ये दोनों मिलकर, लेकिन हम लोग को ट्रू लेंथ निकालना है, ठीक है। तो ट्रू लेंथ क्या होता है, ट्रू लेंथ इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, प्लस 2×S साइज ऑफ बिल्डिंग, आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए होंगे जिस समय हम फिलेट वेल्डिंग का थ्योरी बता रहे थे उसमें आपको बताए होंगे कि इफेक्टिव जो लेंथ होता है ट्रू लेंथ माइनस 2S होता है। तो देखिए ये इफेक्टिव लेंथ आपका आया हुआ ये 298 और धन 2×S की वैल्यू दिया है कितना 8.5, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा 315 ये वैल्यू आ जाएगा। देखिए 315 जो आया वो ट्रू लेंथ है, मतलब इतने लेंथ में क्या हुआ रहेगा वेल्डिंग हुआ रहेगा, और इसको दो से डिवाइड कर देंगे तो ये एक साइड का वेल्डिंग आ जाएगा, ठीक है, एक साइड का, वन साइड का, तो वन साइड का आएगा तो 315 इसको कर दे रहे हैं
315 डिवाइड बाई 2 आपका आ जाएगा 157.5 मैंने 157.5 आ जाएगा, ठीक है। 157 तो इसे 157 को याद क्या करेंगे, एक से सीधा मतलब सीधा कर देंगे इसको, 160 mm कर देंगे, ठीक है। तो 160 mm क्या आ गया, वन साइड का, एक साइड का जो वेल्डिंग करेंगे 160 mm करेंगे, ठीक है। हमें इसकी लेंथ प्राप्त हो गई। देखिए हमें जो जो चीज़ पूछा था, जैसे पूछा था इसका ब्रेथ, तो ब्रेथ हम निकाल लिए कितना, 130 mm, ठीक है, 130 mm ब्रेथ निकल गया। और हमें क्या पूछा था कि ये वेल्डिंग का लेंथ, पार्शियल वेल्डिंग साइड पूछा था, मतलब इसकी जो साइड की जो वेल्डिंग का जो लंबाई होगी कितना होगी, वो निकल गया 160 mm, ठीक है। ये दो चीज़ प्राप्त हो गई। अब हमको करना क्या है कि ये तो हम डिज़ाइन कर दिया, अब इस डिज़ाइन का क्या करेंगे, हम चेकअप करना पड़ेगा, हमें इसका कुछ चेकअप होता है, ठीक ना। नहीं तो इसका हम क्या करेंगे, चेकअप करेंगे, ठीक है ना। चेकअप मतलब जो इसके, अब देखिए चेकअप में पहला चेकअप क्या करेंगे कि इसका क्या, ये जो वन साइड का जो लेंथ आया, इसी को लैप भी बोलते हैं, क्योंकि इतने प्लेट जो फ्लैट प्लेट है, ये गजट की प्लेट के ऊपर इतना मतलब चढ़ाया गया है, ठीक है। पहला क्या करेंगे कि जो इसका लैप होता है, मिनिमम जो लैप होता है, कम से कम जो होता है वो 5 T1 से बड़ा ही होना चाहिए, इसे कम नहीं होता, मिनिमम 5 T1। तो देखिए 5 × T1 की वैल्यू कितना है, वो T1 की वैल्यू आपका 10 mm, ठीक है ना। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 mm आ जाएगा, ठीक है, 50 mm आया। और ये कितना आया है, 150 mm आया, किधर गया, 160 mm आया ये लैप, तो ये क्या, इससे ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो है 160 mm इसके ब्रिथ से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। देखिए 160 mm लैप आया हुआ है, और ब्रिथ इसका कितना आया हुआ है, ब्रिथ आपका आया हुआ है किधर गया, देखिए जो ब्रिथ इसका आया हुआ है 130 mm आया हुआ है। देखिए जो ब्रिथ है वो क्या है, 160 से कम है, तो इसका मतलब ये चेकअप भी सही है। और एक और चेकअप होता है जो इसका ब्रिथ है, ठीक है ना, वो किसी से कम होना चाहिए, 16 T1 से, T1 का मतलब जो सबसे पतला प्लेट हो, तो 16 × T1 की वैल्यू कितना है, 10 है, हो गया 160 mm, 160 mm। और ये जो ब्रिथ की जो लंबाई दिया है वो 130 mm दिया हुआ है। देखिए ये भी क्या है, इसी से ये छोटा है, तो इस चेकअप में भी ये सही हो गया। तो इस तरह का ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।